हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर चैनल ज्ञान फॉर एग्जाम। आज फिर से हम एक नए वीडियो लेकर के आए हैं जिसमें आपका जो सीरीज चल रही थी परीक्षा वाणी पॉलिटी की, जिसका तीसरा चैप्टर था वो था फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स की चैप्टर चल रही थी, जहाँ पर आपकी जो पहली पार्ट आ चुकी है और ये दूसरी पार्ट है, जहाँ पर हमने बताया था आपको पिछले वीडियोज में कि इसे हम समझते हुए आराम आराम से छोटे छोटे पॉइंट में समझेंगे, यानी कि 1 से 1.5 घंटे की वीडियोज में डेली कवर करेंगे, ताकि आपको समझा भी सकूं और आपकी बुक भी कंप्लीट कर सकूं। क्योंकि इससे पहले के जो 2 चैप्टर की वीडियो आई थी उसे मैंने सिर्फ ख़त्म करने की कोशिश किया था, तो आप में से ही बहुत सारे लोगों के कमेंट आया कि सर इसे समझा करके किया जाए, तो इसलिए अब ये छोटे छोटे पार्ट में आएगा। कम पढ़ेंगे मगर अच्छे से समझ कर पढ़ेंगे, यही सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम ले चलेंगे, क्योंकि मुझे भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला था पिछले 2 वीडियोज़ में। जब मैं उससे पूरा पढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ रीडिंग दे रहा हूँ, आपको कुछ समझ में आ रही है नहीं आ रही है, ये सारी बातें मुझे भी सही नहीं लगा। तो मैंने अब सोचा है कि आपको ये बुक कवर कराई जाएगी, एक दूसरे के साथ समझ करके और समझा करके ही करेंगे। तो इसका पहला पार्ट आप लोग का अपलोड कर दिया गया है और पहला और दूसरा चैप्टर भी अपलोड कर दिया गया है। ये चैप्टर नंबर जो है ये 3 है, तो ये चैप्टर 3 का दूसरा पार्ट होगा, जहाँ पर हमने आपको पिछले क्लास में बता दिया था, यानी कि पहले पार्ट में, कि हमारे संविधान में हमारे भारतीय नागरिक को वर्तमान में 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ से हम शुरू करेंगे आज की क्लास को, पुनः फिर से समझते हुए शुरू करेंगे, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और इससे आपके सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तो ध्यान पूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, मगर शुरू करने से पहले आप लोगों से एक गुजारिश है और एक ऐसी इच्छा भी है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। हमें इस बुक को कवर करने और कराने बहुत टाइम लगती है, खुद PDF बनाना, खुद इसको रिकॉर्ड करना, ये सारी काम करने में अच्छा खासा टाइम जाता है। तो आपसे सिर्फ एक गुजारिश है, आप वीडियोज को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि आपका ये सभी काम मुझे मोटिवेट करे और आपके साथ ज़्यादा इंटरेक्ट और ज़्यादा काम करने के लिए। तो आशा करेंगे आप ऐसे काम करेंगे, हमें भी आप नाराज ना करेंगे, हमें भी आप मोटिवेट करेंगे, हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। तो आइए चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं, बहुत हो गई बात। तो देखिए, कहा जाता है कि हमारे संविधान में शुरू में 7 मूल अधिकार दिया गया था, पहले क्लास में हमने बताया है। वर्तमान में हमारे पास कुल 6 मूल अधिकार है। एक जो 7वां अधिकार था, संपत्ति का मूल अधिकार, जो कि 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे हटा दिया गया है और वर्तमान में यह एक विधिक अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 क के तहत रख दी गई है। तो अब देखते हैं हमारे पास कुल 6 कौन से अधिकार बचे हैं वो। तो देखिए आपका ये अधिकार है, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जिसे हम राइट टू इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में जानेंगे। दूसरा अधिकार है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में जानेंगे। तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 23 से 24 के अनुसार जानेंगे। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में है। पांचवा अधिकार है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसे हम अनुच्छेद 29 से 30 के अनुसार समझेंगे। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमारा छठा है, वह है अनुच्छेद 32 में, इसे ही भीमराव अंबेडकर ने कहा था आत्मा। ये आप बताएंगे हमें कमेंट में कि भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को किस रूप में वर्णित किया है, ये आपको कमेंट में अभी बताना है। अब आगे करके एकक जो अधिकार है उसे जानेंगे। तो सबसे पहला अधिकार हमारा आता है, वह है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जो कि हमारे संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 के अनुसार प्रदान की गई है, जिसे समता का अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 14 जो है यह समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है, तथा अनुच्छेद 15 से 18 समता के अधिकार के मूल सिद्धांत के विशिष्ट उदाहरण है।
यानी कि अनुच्छेद 14 से 18 तक की जो अधिकार है ये राइट टू इक्वलिटी, समानता के अधिकार को बताता है। कहता है अनुच्छेद 14 भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 भारत राज्य को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। आपको जब ये प्रश्न पूछा जाता है अनुच्छेद 15, तो अनुच्छेद 15 में ये पूछी जाती है कि किन पांच रूप के अनुसार विभेद नहीं किया जा सकता। तो ये पांच रूप है आपका रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। क्लियर है। अनुच्छेद 16 कहता है सार्वजनिक नियोजन यानी कि सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 कहता है स्पृश्यता का अंत तथा अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का उन्मूलन होगा। अब एक एक करके इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें कहता है कि अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। ये बात कही गई है अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है, अतः अनुच्छेद 14 नागरिकों, अनागरिकों एवं विधिक व्यक्तियों यथा कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह आदि सभी पर लागू होता है। ठीक है। अनुच्छेद 14 यानी कि जितने भी कंपनी, निगम, व्यक्ति समूह, अनागरिक ये सभी जो होंगे उन सभी पे अनुच्छेद 14 लागू होगा, यानी कि विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण होंगे। विधि के समक्ष समता क्या कहता है कि इसकी अवधारणा ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। यह ब्रिटिश विधि शास्त्री प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन रूल ऑफ लॉ के समरूप है। यह एक नकारात्मक अवधारणा है। इसका तात्पर्य है कि समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए, आगे ध्यान देंगे, विधि द्वारा दिए गए जो विशेषाधिकार तथा अधिरोपित व्यक्तियों के मामलों में समान व्यवहार किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन होगा। किंतु कहा गया कि इसका तात्पर्य व्यक्तियों के बीच पूर्ण समानता से नहीं है, क्योंकि यह व्यवहारतः संभव नहीं है। सभी व्यक्तियों के बीच समानता ये संभव नहीं है। राज्य समुचित प्रयोजन के लिए व्यक्तियों और वस्तुओं का वर्गीकरण कर सकता है। इसी में कहा गया कि प्रोफेसर डाइसी के विधि के शासन से तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है। ये किसका कथन है? प्रोफेसर डाइसी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति चाहे उसकी अवस्था या पद कुछ भी क्यों न हो, देश की समान विधि के अधीन और साधारण न्यायालयों के अधीन कार्यता के भीतर ही होगा। दूसरा कहता है विधियों के समान संरक्षण यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसकी अवधारणा अमेरिकी संविधान के 14वें संशोधन द्वारा दिए गए अधिकार के समरूप है। यह एक सकारात्मक अवधारणा है ना? और इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों को समान विधियों के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना। ध्यान देंगे, एक सकारात्मक अवधारणा है विधियों के समान संरक्षण, जो कि अमेरिका संविधान के 14वें संशोधन द्वारा लिया गया। इसका मतलब ये बताया गया कि समान परिस्थिति वाले व्यक्ति को समान विधि के अधीन रखना तथा उसे समान रूप से लागू करना, ये बात बताई गई है। अतः राज्य द्वारा जो भी विधि बनाई जाए उनमें बिना किसी भेदभाव के सभी को समान संरक्षण देने का उपबंध होना चाहिए, ये बात कही गई। आगे बढ़ने से पहले आप सबको बता दूं, अगर आप में से जो कोई भी बिहार दरोगा 2213 पोस्ट प्री की तैयारी करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है हमारी एप्लीकेशन ज्ञान फॉर एग्जाम, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपके 600 वाली कोर्स मात्र अब 300 रुपये में दी जा रही है। तो आज ही वहां ज्वाइन करें, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है ज्ञान फॉर एग्जाम।
तो आप लोग जल्द जुड़िए इसमें। और इसमें एक और प्लस पॉइंट ये है कि 50% डिस्काउंट के साथ साथ आपको पेटीएम, अमेजोन इन सभी पे कैशबैक ऑफर भी उपलब्ध है, तो उसका भी लुत्फ़ उठाएं और इस बैच में ज़रूर जुड़े, जहां पर आपको डेली लाइव क्लास, साथ ही प्रीवियस आपका रिकॉर्डेड क्लास, डेली टॉपिक टेस्ट, डेली वीकली टेस्ट, ये सभी डेली डिस्कशन, डेली लाइव इंट्रैक्शन क्लासेज, ये सारे दिए जा रहे हैं। तो ज़रूर जुड़ें। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 7654957719 पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। कहा गया कि न्यायमूर्ति पतंजलि शास्त्री ने विधियों के समान संरक्षण को विधि के समक्ष समता यानी कि क्वालिटी बिफोर लॉ का ही एक उप सिद्धांत कहा है। श्री शास्त्री के अनुसार उस स्थिति की कल्पना करना कठिन है जबकि विधियों के समान संरक्षण का उल्लंघन होने पर विधि के समक्ष समता का उल्लंघन ना हो। वास्तव में दोनों का एक ही उद्देश्य है, समान न्याय। फिर आगे चल करके अनुच्छेद 14 में ये कहा गया कि नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस का सिद्धांत अंतर्निहित है अनुच्छेद 14 में। आपने मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ सुना होगा वाद विवाद, है ना, जो कि 1980 में आया था, जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया। अनुच्छेद 14 में निहित विधि के शासन को संविधान का आधारभूत ढांचा घोषित किया गया है, ये बात मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में कहा गया है। फिर कहता है कि अनुच्छेद 14 वर्ग विभेद का निषेध करता है किंतु वर्गीकरण का अनुमति देता है। इसका मतलब ये है कि यदि एक वर्ग के व्यक्ति में कोई विभेद नहीं किया गया है तो ऐसी विधि संवैधानिक होगी, अपितु एक वर्ग में विभेद मान्य नहीं है। वर्गीकरण अयुक्तियुक्त और मानमाना यानी कि स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु है, ठीक है। और इसके अनुसार वर्गीकरण युक्तियुक्त होगा यदि वह बोधगम्य अंतरक यानी कि इंटेलिजिबल डिफरेंसिया पर आधारित हो तथा अंतरक और अधिनियम के उद्देश्य में तार्किक संबंध हो। अतः कहा गया कि वर्गीकरण अधोलिखित आधारों पर किया जा सकता है, यथा कौन कौन सी, तो भौगोलिक स्थिति के आधार पर, राज्य के पक्ष में, कराधान विधियों के संबंध में और विशेष न्यायालय और प्रक्रिया के संबंध में, प्रशासनिक अधिकारियों की विवेकीय शक्ति के संबंध में, ऐतिहासिक आधार पर, शिक्षा के आधार पर, व्यक्तियों की प्रकृति के आधार पर, ये सभी की जा सकती है। इसका कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वर्गीकरण का विभेद जो है ये इस आधार पर नहीं होगा कि किसी व्यक्ति विशेष पर हो, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति जो आप सपोज डेट आप मान लीजिए कि कोई जिला का अधिकारी है डीएम, उसका जो निर्णय होगा किसी विवेक उसके शक्ति पर जो विवेक होगा और वो आपको मान्य करना होगा, ठीक है। ये नहीं कि आप कोई पब्लिक हैं और आप उसको बोल दिए और बोले कि वो पूरी जिला में वो लागू हो, वो संभव नहीं है। पर कोई एक विशेष व्यक्ति जो कि उसके अनुसार जो प्रशासकीय अधिकारी होगा उसके अनुसार वो बात रखी जा सकती है, ठीक है। कहने का मतलब इसका यही है। आगे देखिए, कहता है कि चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ के मामले में यह धारिता किया गया कि एक व्यक्ति स्वयं एक वर्ग माना जा सकता है, अतः एक निगम जो कि विधिक व्यक्ति की श्रेणी में आता है उसे भी विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध होगा। समता का अधिकार अत्यंतिक नहीं है, निम्नलिखित मूलाधिकार इसके अपवाद हैं। तो इस अपवाद को आगे जानने से पहले आपके जो ऊपर में दिए जाते हैं परीक्षा दृष्टि उसे देख लेंगे। इस बुक की खासियत यही है कि ये हर एक पेज में एक परीक्षा दृष्टि दे रखी है जो कि पूरे जो जितने आपने अभी पढ़ा उसका एक ओवरव्यू कि प्रश्न कौन से बन सकते। तो देखिए, कहता है पहला पॉइंट है कि किस बाद में कहा गया है कि समता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं, तो ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। दूसरा पॉइंट है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि
दो से अधिक संतान वाले लोगों को पंच या सरपंच पद के लिए योग्य घोषित करने वाली विधि विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 के अधिकार का उल्लंघन नहीं करती है और एक विधिमान विधि है, तो यह है जावेद बनाम हरियाणा राज्य। अगला पॉइंट है कि अनुच्छेद 15(1) किन आधारों पर राज्यों द्वारा नागरिकों के मध्य विभेद करने का निषेध करता है। तो हमने बताया था 5 पॉइंट है, कौन कौन सा, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनसे इनमें से किसी आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा। अगला है कि अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार किनको प्राप्त है, तो केवल नागरिक को। अनुच्छेद 15(1) किसको नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है, तो राज्य को, ठीक है। फिर है कि किसी होटल, दुकान, सार्वजनिक भोजनालय या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थलों में नागरिकों को बिना भेदभाव के प्रवेश का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है, तो अनुच्छेद 15(2). कहने का मतलब ये है कि कोई भी जाति, मूल वंश के आधार पर किसी सार्वजनिक स्थल पर उसका भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका वर्णन अनुच्छेद 15(2) में किया गया है, जबकि अनुच्छेद 15 केवल नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है और अनुच्छेद 15(1) नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है, किसको, तो राज्य को। आगे है कि किस अनुच्छेद द्वारा नागरिकों को सरकारी या सार्वजनिक उपयोग हेतु समर्पित कुआं, तालाब, सड़क, स्नान घाट आदि के उपयोग का भेदभाव रहित अधिकार है, तो अनुच्छेद 15(2) में ही, होटल, तालाब, पोखर ये सब में 15(2). समाज के कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 15 पॉइंट को नोट रखेंगे। समाज में कमजोर वर्गों के संरक्षण के लिए प्रावधान अनुच्छेद 15 में। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई कि वह स्त्रियों और बालकों के संबंध में विशेष प्रावधान कर सकता है, तो यह अनुच्छेद 15(3) के तहत। ये अलग से एक विशेषता दी गई है कि राज्य चाहे तो वह स्त्री और बालक के संबंध में एक अलग से विशेष प्रावधान कर सकता है, अनुच्छेद 15(3) के तहत, है ना। आगे देखें तो कहते हैं कि किस बाद में महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया, तो डी पाल राज बनाम भारत संघ के बाद में, जो महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा है इसके बारे में संरक्षण अधिनियम 2005 लाया गया था। किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने की शक्ति दी गई, तो अनुच्छेद 15(4) में, जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, हम लोग जो कहते हैं कि आरक्षण क्यों दी गई है, तो जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए ये 15(4) काम करता है। और मद्रास राज बनाम चंपाकम दोरईराजन के मामले में दिए गए निर्णय के पश्चात कौन सा मूल अधिकार संशोधन किया गया, तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 15 संशोधित की गई। चलिए अब आगे चलेंगे अगले पेज में, तो अगला पेज यहाँ पर है, इसके बारे में सारी जानकारी आपको अभी हमने परीक्षा दृष्टि में दिया है, फिर भी देखेंगे। कहता है कि अनुच्छेद 15(3) क्या है, कि राज्य के स्त्री और बच्चों के लिए विशेष उपबंध। अनुच्छेद 15(4) है सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के प्रावधान के लिए छूट। अनुच्छेद 16(4) कहता है सार्वजनिक नियोजन, ध्यान से, सार्वजनिक नियोजन में विशेष प्रावधान की छूट राज्य को देता है अनुच्छेद 16(4) में, ठीक है, ऐसे सामाजिक नियोजन के लिए अनुच्छेद 16। कहता है कि इस प्रकार राष्ट्रपति, राज्यपाल, विदेशी राजनयिक, उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों तथा संसद एवं विधानमंडल के सदस्यों को प्रदत्त विशेषाधिकार समता के अधिकार का अपवाद है। जो राज्यपाल, राष्ट्रपति, कुछ राजनयिक जो हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ये सब होते हैं, इनको कुछ अधिकार अलग से दिया गया है, वो समता के अधिकार के अलग है, ठीक है। अब अगला जो पॉइंट है वह है धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ डिक्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियंस ETC। तो है कि अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित समता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 14 में प्रतिपादित समता के अधिकार को अनुच्छेद 15 में और अधिक स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड हैं, ठीक है।
अनुच्छेद 15 में कुल 5 उपखंड हैं। अनुच्छेद 15 एक, अनुच्छेद 15 दो मूलाधिकार हैं, अनुच्छेद 15 तीन, 15 चार और 15 पाँच राज्य की शक्ति के बारे में है। अनुच्छेद 15 द्वारा प्रदत्त मूलाधिकार केवल नागरिकों के लिए है। ध्यान से, अनुच्छेद 15 जो है केवल नागरिक के लिए है। अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है कि केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। यहाँ पर विभेद से मतलब ये है कि किसी व्यक्ति के साथ दूसरों की तुलना में प्रतिकूल व्यवहार करना, यह अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। अतः अन्य व्यक्ति के साथ विभेद किया जा सकता है। इस अनुच्छेद में प्रयुक्त केवल शब्द, ध्यान रखने वाली ये बात यह है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान इनमें से एक से अधिक आधारों पर निषिद्ध है। कहा गया कि कुछ ऐसे हैं जैसे भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 15 एक में ही कहा गया है कि भाषा या निवास स्थान के आधार पर विभेद किया जा सकता है, कुछ अन्य आधारों के आधार पर। ठीक है, अगला अनुच्छेद 15-2 अनुच्छेद 15-1 को और एक कदम आगे बढ़ाता है, जहां पर कहा गया है कि यह राज्य तथा व्यक्ति दोनों को भेदभाव करने से निवारित करता है। ठीक है, और इस रूप में अनुच्छेद 15-1 से ये ज्यादा व्यापक है 15-2। कहा जाता है कि अनुच्छेद 15-2 के अनुसार कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इसमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसका उपयोग करने के लिए किसी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। कौन कौन सी? तो दुकान, सार्वजनिक भोजनालय, होटल, राजनिधि से जो पोषित या सार्वजनिक तालाब, कुआं, स्नानघाट, सड़क होता है उस पर। और कहता है कि अनुच्छेद 15-3, 4 तथा 5 अनुच्छेद 15-1 तथा 2 के सामान्य नियम का अपवाद है। ये राज्य को संरचनात्मक भेदभाव अनुमानित करता है, अनुमति देता है। आगे है कि अनुच्छेद 15-3 राज्यों को स्त्री और बालकों के लिए विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष उपबंध प्रदान शक्ति प्रदान करता है, है ना। उसके साथ साथ कहता है कि आपको पता होना चाहिए कि डी पाली राज बनाम भारत संघ के नवीनतम वाद में अनुच्छेद 15-3 के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा के संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। 2005 अनुच्छेद 15-3 डी पॉल राज बनाम भारत संघ। अनुच्छेद 15-4 कहता है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में अंतः स्थापित किया गया। अनुच्छेद 15-4 को इसके अनुसार क्या है कि यह संशोधन मद्रास राज बनाम चंपाकम द्वैराजन के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था। इसके द्वारा राज्य को निम्न के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है। वो शक्ति कौन कौन है ये देखेंगे। ये शक्ति यहाँ पर आपको दी गई है। शक्ति ये है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15-4 के तहत ही किया गया है। क्लियर है? जो शिक्षण संस्थान में आपको जो मिलता है आरक्षण, वो अनुच्छेद 15-4 के तहत ही किया गया है, जहां पर जिसे प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के तहत इसे जोड़ा गया है अनुच्छेद 15-4 को। इसके आगे बढ़ने से पहले पिछले पेज में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्य था, उसको देख लेते हैं। ये कुछ पॉइंट हैं। देखिए, कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य को सरकारी नौकरियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को वरीयता देने की शक्ति प्राप्त है, अनुच्छेद 15-3 के तहत। अनुच्छेद 15-4 को 1951 के प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है ना। किस बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के पश्चात संविधान में अनुच्छेद 15-4 जोड़ा गया? तो मद्रास राज बनाम चंपाकम द्वैराजन, है ना, जहाँ पर शिक्षण संस्थान में अनुसूचित जाति जनजाति को आरक्षण अनुच्छेद 15-4 के तहत दिया गया। फिर आता है अनुच्छेद 15-5 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया 15-5? तो 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005। 93 संविधान संशोधन द्वारा किसके संबंध में प्रावधान किया गया? तो निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण का।
क्लियर। कहता है किस बाद में दिए गए निर्णय के बाद संविधान में अनुच्छेद 15(5) जोड़ा गया, तो अनुच्छेद 15(5) पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य में जोड़ा गया। उसके बाद है कि किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रबंध कर सकती है, अनुच्छेद 15(5) के अनुसार। 93 संविधान संशोधन को किस बाद में संवैधानिक घोषित किया गया, तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के बाद में। लोक नियोजन में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 में वर्णित है, ये सभी आगे और हम जानेंगे। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द के साथ किन अनुच्छेद को पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार उच्चतम न्यायालय में निगमित है, यानी कि समाजवादी और समान कार्य के लिए समान वेतन, ये दोनों एक साथ अगर हम पढ़ते हैं तो ये बराबर होता है अनुच्छेद 14 और 16 के। क्लियर। अब चलिए आगे चलते हैं अगले पेज में। अगला पेज में हमने यहाँ जाना था, अब जानना है अनुच्छेद 15(5). तो कहता है कि अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया, अभी आपने जाना था। इसे मंडल 2 कहा गया है। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग, समूह, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 30(1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे में नहीं आता है, जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान होगा वो। कहा गया है कि पीए ईमानदार बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 7-सदस्यीय पीठ ने यह स्पष्ट किया था कि राज्य अपनी आरक्षण नीति अल्पसंख्यक संस्थानों तथा निजी शैक्षणिक संस्थानों में नहीं लागू करा सकता है। इस प्रकार इसके प्रभाव को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 15(5) अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। इसी में अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के मामले में 5-सदस्यीय संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2005 93 संविधान संशोधन अधिनियम को संवैधानिक घोषित किया। किसके तहत? 93 संविधान को, तो अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के। आगे अनुच्छेद 15(6) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। ध्यान से देखिए, करेंट का ही प्रश्न है, ठीक है। 103वां संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(6), इसके द्वारा कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने के लिए या शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य सरकार आर्थिक रूप से कमजोर भाग की उन्नति के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान करेगी, जो कि 103वां संविधान संशोधन 2019 में है अनुच्छेद 15(6) में। इसके तहत कहा गया कि वर्तमान में कुल 49.5 यानी कि 49% आरक्षण की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जाति को 15%, अनुसूचित जनजाति को 7.5%, ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाता है। वर्तमान संशोधन के तहत 49.5% की सीमा के अतिरिक्त 10% आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्णों को दिया गया। किसको? सवर्ण वर्णों को दिया गया है, यानी कि टोटल अगर देखें तो 59.5% की क्या हो गई? आरक्षण हो गई, ठीक है। 10% सवर्णों को दिया गया है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब अगला हमारा आता है अवसर की समानता। अगला जो हमारा है वह इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि अवसर की समानता, जो कहता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता है, जिसमें लोक नियोजन में अवसर की समानता की प्रत्याभूति प्रदान करता है। अनुच्छेद 16(1) तथा 2 में अवसर की समानता के समान सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 16(3), 4 तथा 5 इसके अपवाद हैं, ठीक है। एक बात ध्यान से समझिएगा, अनुच्छेद 16 को कि लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है, जिसमें अनुच्छेद 16(1) और 2 अवसर की समानता के समान सिद्धांत का उल्लेख करता है, जबकि 16(3), 4, 5 इसके अपवाद हैं।
अनुच्छेद 16 और 1 और 16 2 के अनुसार क्या कहता है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में सभी नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होंगे। किसके अनुसार? राज्य के अधीन, ठीक है। ये इसका बात किया गया अनुच्छेद 16 एक में, अनुच्छेद 16 एक में ये बात की गई। कहता है कि इस विषय में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के स्थान पर नागरिकों के मध्य कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 16 दो में, ठीक है। अवसर की समानता अनुच्छेद 16, राज्यों के अधीन किसी भी नियुक्ति में समान अवसर नागरिकों को मिलेगा 16 एक में, किसी भी राज्य के नागरिक को धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान पर विभिन्नता नहीं की जाएगी अनुच्छेद 16 दो में, ठीक है। आगे देखिए, कहता है कि अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए है, है ना। अवसर की समानता का अर्थ अर्हताओं यानी कि योग्यताओं और मापदंडों से मुक्ति यानी कि समाप्ति नहीं है। राज्य आवश्यक अर्हताओं एवं मापदंडों को निर्धारित कर सकती है। निर्धारित अर्हताओं में मानसिक योग्यता, शारीरिक दक्षता, अनुशासन, नैतिक स्तर या जनहित आदि रखा जा सकता है। अर्हता यानी कि योग्यता पद की प्रकृति के अनुसार होना चाहिए और मनमाना नहीं होना चाहिए। तो यहाँ देखें तो कहते हैं अनुच्छेद 16 एक, अनुच्छेद 16 एक से पढ़ने से पहले पहले हम आप लोग को बता दें ये जो परीक्षा उपयोगी दिया गया है उसको, फिर अनुच्छेद एक करके हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो देखिए, परीक्षा दृष्टि में कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के सभी नागरिक को लोक नियोजन में अवसर की समानता देता है? तो अनुच्छेद 16 एक और 16 दो। किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य की सरकारी सेवाओं हेतु उस राज्य में निवास की योग्यता विहित करने वाली विधि बनाई जा सकती है? तो अनुच्छेद 16(3) के तहत। आगे है कि पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 16(4) के तहत। किस बाद में यह धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग के निर्धारण के लिए केवल जाति सुसंगत नहीं है, इसके लिए गरीबी, शिक्षा का स्तर, पेशा आदि बातों पर भी ध्यान देना चाहिए? तो बालाजी बनाम मैसूर राज। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है? तो इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1993, जो कि मंडल मामले के नाम से प्रसिद्ध है। मंडल आपने सुना होगा, है ना, वही है इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ 1993, जिसमें कहा गया है कि पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत बनाया जा सकता है। कहता है कि किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि किसी अनारक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक, विवाह या अन्य किसी आधार पर प्रवेश पाने पर अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं प्राप्त कर सकता है? तो यह कहा गया बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय में कहा गया कि वैसे लोग जो किसी का दत्तक पुत्र होता, पुत्री होता है, विवाह के मामले में इन सभी के अनुसार वो आरक्षण प्राप्त नहीं करेगा। अनुच्छेद 15(4) अनुच्छेद 16(4) के अनुसार वह है बलसम्मा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है कि इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ के बाद में विनिश्चय के समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, यानी कि 1993 में तो मुख्य न्यायाधीश थे श्री एच एम कानिया, मंडल आयोग के समय में, ठीक है। कहता है कि किस आधार पर पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता? तो आर्थिक आधार पर किसी के पिछड़े वर्ग का निर्धारण नहीं किया जा सकता। आइए अब आगे देखते हैं, हम बात करेंगे अब 16(1) की, है ना। तो 16(1) की बात करें तो कहता है केवल प्रारंभिक नियुक्ति के मामले में ही नहीं, बल्कि पदोन्नति, पदच्युत, वेतन, अवकाश, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि में भी लागू होता है 16(1), ठीक है। अनुच्छेद 16(1) अनुच्छेद 16(1) क्या कहा गया था कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति के संबंध में नागरिकों को समान अवसर, जो कहाँ कहाँ पर, पदोन्नति में, पदच्युति में, वेतन में, अवकाश में, ग्रेच्युटी, पेंशन, ये सभी में वो 16(1) लागू होता है। अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 15 से व्यापक है।
क्योंकि यह दो अन्य आधार उद्भव एवं निवास के आधार पर भी विभेद का निषेध करता है। अगला था अनुच्छेद 16(3) जो कि अनुच्छेद 16(2) का अपवाद है। यह संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य की कुछ सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए उस राज्य में निवास की अर्हता यानी कि योग्यता विहित कर दे। इस शक्ति के प्रयोग से संसद ने लोक नियोजन निवास संबंधी अपेक्षाएं अधिनियम 1957 पारित किया। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(3) के तहत कहा गया कि इसके द्वारा किसी राज्य या संग्रह क्षेत्र में निवास संबंधी अपेक्षा विहित करने वाली सभी विधियों को निरस्त कर दिया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि किसी व्यक्ति को इस आधार पर निरोग नहीं माना जाएगा कि वह किसी राज्य विशेष का निवासी नहीं है, किंतु यह अधिनियम निम्न राज्यों पर उनके पिछड़ेपन के कारण लागू नहीं किया गया। वह हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना क्षेत्र। तेलंगाना क्षेत्र के संबंध में इस अधिनियम को न्यायालय ने नरसिंह राव बनाम आंध्र प्रदेश के बाद में असंवैधानिक घोषित कर दिया क्योंकि यह पूरे राज्य आंध्र प्रदेश में लागू नहीं था। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो अनुच्छेद 16(3) के तहत संसद को ये शक्ति दी गई थी कि राज्य के निवास की अर्हता योग्यता पर कुछ लोक नियोजन की जाए, तो इसमें कुछ राज्यों को छूट दी गई है। वो कौन कौन से? हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा तथा आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र। बाद में इसे अब हटा दिया गया है आंध्र प्रदेश वाला को, ठीक है। आगे अनुच्छेद 16(4) अनुच्छेद 16(1) तथा 2 का दूसरा अपवाद है। कहता है इसके तहत कि इसमें पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य जाति के आधार पर विभेद कर सकती है, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा, जैसे हम लोग जो आज तक कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते आए हैं, ये सभी जो समानताएं खोजते आते हैं, जो हम लोगों में हमेशा मतभेद होती है कि जब अनुच्छेद 16 कहता है कि अवसर की समानता है, फिर आरक्षण क्यों, लोगों को जाति के आधार पर आरक्षण क्यों, तो हम लोग उसे पूरी डीपली नहीं पढ़ते। इस कारण से हम एक दूसरे से वाद विवाद करने में लग जाते हैं। जैसे ही हम एक दूसरे से इसको पढ़कर के वाद विवाद करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगी कि कौन से अनुच्छेद के कौन से सब क्लॉज, कौन से जो सब आर्टिकल है, ये बात ये भी कहता है कि नहीं, जाति के आधार पे भी आरक्षण हो सकती है, जाति के आधार पर किसी भी क्षेत्र में उसकी नियुक्ति हो सकती है। ये सारी बातें एक एक करके हमारे संविधान में पहले से लिख दी गई है, ठीक है। तो जिसको जो नासमझी होता है, जो नहीं समझते हैं, जिनके वो जानकारी पूर्ण नहीं होती है, वही लोग जो हैं एक दूसरे से झगड़ जाते हैं, झगड़ा कर बैठते हैं, और उनको समझदारी नहीं रहता कि किस अनुच्छेद हमारा संविधान ये बात कहती है कि नहीं कहती है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपके हरेक संविधान के हरेक अनुच्छेद में कुछ ना कुछ बातें लिख दी गई है। क्या ये बात आप जानते हैं या जानते थे, इसके बारे में आपका क्या राय है, ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। क्या आप इससे पहले ये जान रहे थे कि अनुच्छेद 16(4) कहता है कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण का प्रावधान दिया गया है, किसके आधार पे? तो जाति के आधार पे। कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और साथ ही आप ये कमेंट में बताएंगे कि क्या जाति के आधार पर आरक्षण देना सही है या गलत है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 16(4) के अनुसार कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए वर्ग के किसी नागरिकों के पक्ष में जिनका प्रतिनिधि राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्ति या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने की से निवारित नहीं करेगी। इस प्रकार अनुच्छेद 16(4) के तहत राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए जिनका प्रतिनिधि राज्य की सेवाओं में पर्याप्त नहीं है आरक्षण का प्रावधान कर सकती है, ठीक है। पहले वो लाइन पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद परीक्षा दृष्टि देखेंगे। देखिए कहता है कि अनुच्छेद 340 के अंतर्गत, कहाँ पर? अनुच्छेद 340 के अंतर्गत राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति करता है। ध्यान देंगे, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत करता है तथा उसका रिपोर्ट के आधार पर सरकार पिछड़े वर्गों को विनिर्दिष्ट करती है। बालाजी के मामले में
केवल जाति को पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार मानने से इनकार कर दिया गया था, किंतु 1978 में गठित मंडल आयोग, ध्यान देंगे 1978 में गठित मंडल आयोग के मामले में यह अभी निर्धारित किया गया कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुच्छेद 340 में वर्णित है। इसमें आगे चल करके मंडल आयोग क्या कहा कि 1978 में मंडल आयोग जब बनी तब कहा गया कि पिछड़ा वर्ग का निर्धारण जाति के आधार पर किया जा सकता है, है ना। अब यहाँ पर इस पेज में पूरे के पूरे जो दिया गया है परीक्षा दृष्टि उसे देख लेंगे। कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति आरक्षण उपबंध किया गया है, तो अनुच्छेद 16(4) का के तहत। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को प्रोन्नति में आरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा। दूसरा कहता है किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा किए दिए गए निर्णयों के प्रभाव को समाप्त करने हेतु संविधान में अनुच्छेद 16(4) जोड़ा गया, तिंद्रा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के मामले में। अगला है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत अग्रनयन यानी कि कैरी ऑफ वार्ड का सिद्धांत विहित है, तो अनुच्छेद 16(4)(ख) के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 16(4)(ख) को संविधान में जोड़ा गया, तो 81वें संविधान संशोधन अधिनियम। अगला पॉइंट है कि किस बाद में सरकार द्वारा बनाए गए अग्रनयन यानी कि कैरी फॉरवर्ड रूल के नियम को उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित किया, तो देवासन बनाम भारत संघ के बाद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध करता है, अनुच्छेद 17 प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 किस अनुच्छेद के क्रियान्वयन हेतु अधिनियमित किया गया है, तो अनुच्छेद 17 को। आगे आइए, वीडियो पसंद आ रही है, आपको समझ में आ रही है, लाइक शेयर कमेंट करेंगे। और आज आप लोग को एक टारगेट देते हैं, कम से कम इस वीडियो को आप हर एक अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, साथ ही साथ आज की वीडियो 1000+ लोगों के पास पहुंचनी चाहिए, 1000+ लोग इसे देखने चाहिए, ये आपका आज का टारगेट है। अगर नहीं पहुंचेगा तो अगली क्लास आपकी नहीं आएगी। कहते हैं कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को अब किस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955, ये आता है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। कहते हैं भारत में अस्पृश्यता निवारण किन किन उपायों द्वारा किया जाता है, तो कानून बनाकर, शिक्षा तथा जन जागरण द्वारा। कौन सा अनुच्छेद भारत में उपाधियों में अंत का बात करता है, अनुच्छेद 18। किन क्षेत्रों में राज्य को सम्मान प्रदान करने की अनुमति है, तो सेना व विद्या के क्षेत्र में। कोई विदेशी नागरिक जो भारत में कोई विश्वास या लाभ का पद धारण किया है, किसकी अनुमति से किसी विदेशी राज्य में से उपाधि ग्रहण कर सकता है, तो राष्ट्रपति की। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि भारत रत्न, पद्म विभूषण तथा पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) के अर्थों में उपाधि नहीं है, तो बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996। संविधान के किन अनुच्छेद के तहत स्वतंत्रता का अधिकार उपबंधित किया गया है, अनुच्छेद 19-22 के तहत। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन सी स्वतंत्रता दी गई है, तो वाक यानी कि बोलने आदि की स्वतंत्रता दी गई है। किस अनुच्छेद के तहत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है, अपराध के लिए दोष सिद्धि अनुच्छेद 20 में, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, तो शिक्षा का मूल अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। मूल संविधान द्वारा अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रताएं दी गई है, 7। वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत कुल कितनी स्वतंत्रता है, 6, ये ध्यान रखेंगे, मूल संविधान में 7, वर्तमान में 6। अनुच्छेद 19(1)(च) में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को, ध्यान से, अनुच्छेद 19(1)(च) में उपबंधित संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन 1978। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त स्वतंत्रताएं किन्हें प्राप्त है, केवल भारतीय को, ठीक है, अनुच्छेद 19 केवल भारतीयों को प्राप्त है और किसी विदेशी नागरिकों को नहीं। आइए आगे चलेंगे।
आगे है, यानी कि पिछला लाइन को अगर कंडक्ट करें, जोड़ें, तो कहता है, कहा गया था कि यदि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा है तो वह अनुच्छेद 16(4) के प्रयोजन हेतु पिछड़ा वर्ग होगा, परंतु सिर्फ आर्थिक आधार पिछड़ा वर्ग निर्धारण की कसौटी नहीं हो सकती, ये बात कही गई। ये मंडल आयोग को ध्यान में रखेंगे। मंडल आयोग का मामला इंदिरा साहिनी बनाम भारत संघ अनुच्छेद 16(4) पर एक प्रमुख वाद है। इस मामले में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया था, जिसमें कहा गया कि मुख्य न्यायाधीश H.M. कानिया की अध्यक्षता वाली 9-सदस्यीय पीठ ने 6-3 के बहुमत से अपना निर्णय दिया था, जिसके अनुसार पिछड़ा वर्गों को दिया गया 27% आरक्षण वैध है, किंतु पिछड़ों के संपन्न वर्ग यानी कि क्रीमी लेयर को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए न्यायालय के अनुसार प्रोन्नति में आरक्षण अवैध होगा तथा कुल आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगी अनुच्छेद 16(4) में, जो वहां पर था ना 49.5% यानी कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं हो सकती। कहा गया कि अनुच्छेद 16(4) के तहत पिछड़े वर्ग को पिछड़ा वर्ग तथा अधिक पिछड़ा वर्ग को विभाजित किया जा सकता है। आगे आते हैं, कहता है अनुच्छेद 16(4) का 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा जोड़ा गया। इसमें राज्य को यह शक्ति दी गई कि वह अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है, यदि उसकी राज्य में उसके राय में राज्य के अधीन की सेवाओं में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो तब। यह संशोधन इंदिरा साहिनी के प्रकरण में न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया गया था, अनुच्छेद 16(4) का। फिर है कि अनुच्छेद 16(4) का 81वां संविधान संशोधन 2000 द्वारा संविधान में जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि इसके द्वारा सेवाओं के आरक्षण में अग्रनयन के नियम कैरी फॉरवर्ड रूल को मान्यता प्रदान किया गया, किसमें 81वें संविधान संशोधन में। इसके अनुसार यदि किसी वर्ष आरक्षित स्थानों में से कुछ स्थान भरे नहीं जा सके हों तो ऐसे बकाया आरक्षित स्थानों को एक अलग वर्ग माना जाएगा, है ना, और उसे आगे के वर्षों में एक अलग श्रेणी के रूप में भरा जा सकता है और इसे 50% आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, चाहे भले ही वह 50% की सीमा से अधिक हो। अनुच्छेद 16(5) यह धर्म के आधार पर विभेद के राज्य को अनुमति देता है। इसके अनुसार राज्य द्वारा निर्मित कोई ऐसी विधि जो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के किसी पदाधिकारी या सदस्य के रूप में किसी विशिष्ट धर्म या संप्रदाय के लोगों की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान करती है परिवर्तनीय होगी, अनुच्छेद 16(5). बिहार दरोगा वाली बैच में जुड़ने के लिए आप लोग जरूर उसको जुड़े, कॉल कर सकते हैं 7654957719, जिसमें आपको 50% की डिस्काउंट दी जा रही है मात्र 300 रुपये में, तो जल्द जुड़ जाएं, उसमें अभी भी समय है। कहते हैं अनुच्छेद 16(6) 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अंतः स्थापित किया गया। इसके अंतर्गत राज्य आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी के पदों में अधिकतम 10% के आरक्षण का प्रावधान भी किया गया है। चलिए आगे चलेंगे। अगला है अस्पृश्यता का अंत, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जो है अनुच्छेद 17 में। समता के अधिकार का एक विशिष्ट उदाहरण है, इसके द्वारा आचरण तथा व्यवहार में समानता का प्रावधान किया गया है। यह संविधान में सामाजिक समानता को अंतर्विष्ट करता है। इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया है। आप सोच रहे होंगे इतना तेज क्यों पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ है नहीं, आप सबको जानते अस्पृश्यता है क्या, है ना। और कहा गया है कि उसमें उत्पन्न किसी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यह एक निरपेक्ष अधिकार है। अनुच्छेद 55 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 35 संसद को अस्पृश्यता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार देता है।
संसद द्वारा इस शक्ति का प्रयोग में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 पारित कर अस्पृश्यता के अपराध के लिए ₹500 जुर्माना या 6 महीने के कारावास या दोनों का प्रावधान किया गया है। 1976 में इसमें संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया, जो इसी रूप में वर्तमान में परिवृत्त है और अनुच्छेद 17 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध ही नहीं वरन प्राइवेट व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध है, यानी कि प्राइवेट कंपनियों के विरुद्ध भी। परीक्षा दृष्टि है जो कहता है कि किस अनुच्छेद के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो अनुच्छेद 16(1)(1) में किस अनुच्छेद के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त निर्बंध हेतु आधार विहित है, अनुच्छेद 119(2) के तहत। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता है ना, किंतु न्यायालय में इसे किस अनुच्छेद के तहत अंतर्निहित है, अनुच्छेद 19(1) के तहत। यहाँ पर ये बात कही गई है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का कहीं पर उल्लेख नहीं है, परंतु न्यायालय में अनुच्छेद 1(1) के तहत है। किस बाद में कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार एक मूल अधिकार है, तो भारत संघ बनाम नवीन जिंदल बाद, ठीक है। किस बाद में धारित किया गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में चुप रहने की स्वतंत्रता भी शामिल है, ठीक है, चुप रहना भी आपका मूल अधिकार है, इमैनुअल बनाम केरल राज्य के बाद में, झंडा फहराने के लिए नवीन जिंदल बाद। मतदाता को उम्मीदवारों के संबंध में सूचना का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत एक मूल अधिकार है। किस बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया है, तो पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के बाद में, और 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, तो 15(6) और 16(6). आगे आता है उपाधियों का अंत, अवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। इसके अनुसार कहता है कि अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधि ग्रहण करने की प्रतिषिद्ध किया गया है। अनुच्छेद 18(1) के अनुसार राज्य सेना तथा विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। खंड 2 के अनुसार कोई भारतीय नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। खंड 3 ऐसे विदेशी व्यक्ति जो भारत में कोई लाभ या विश्वास का पद धारण करता है के बारे में, ऐसा व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति से ही ग्रहण करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। अनुच्छेद 18(4) किसी विदेशी राज्य से मिलने वाले किसी भेंट उपलब्धि या पद के बारे में है। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति जो भारत में किसी लाभ या विश्वास के पद पर है किसी विदेशी राज्य से कोई भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की अनुमति के बिना ग्रहण नहीं करेगा। और उल्लेखनीय है कि अनुच्छेद 18 सिर्फ निर्देशात्मक है, आदेशात्मक नहीं, अतः इसका उल्लंघन दंडनीय नहीं है, यद्यपि संसद दंड का प्रावधान कर सकती है। ज्ञात होना चाहिए कि 1955 में यह विवाद उत्पन्न हुआ जब भारत सरकार ने विभिन्न सम्मान एवं उपाधियां देना प्रारंभ किया था 54 में, ठीक है। आगे है बालाजी राघवन बनाम भारत संघ 1996 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा धारित किया गया कि भारत रत्न पद्म विभूषण और पद्म श्री अलंकरण अनुच्छेद 18(1) में प्रयुक्त उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आते, क्योंकि यह उपाधि नहीं सम्मान है और इसका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो ये था उपाधियों के अंत, यानी कि पूरी की पूरी जो पहला जो हमारा अधिकार है 14 से 18, है ना, 14 से 18 तक की जो अधिकार था हमारा समानता का अधिकार, वो समाप्त होता है। इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम लोग अगले क्लास में करेंगे, जहाँ पर हम जानेंगे कि स्वतंत्रता हमें किस आधार पर दी गई है, और उसके बाद आपका आता है स्वतंत्रता के अधिकार के बाद फिर ऐसे ही आगे के अधिकार आते जाएंगे, हम पढ़ते जाएंगे, आपको पढ़ाते जाएंगे, है ना, आप पढ़ते जाएंगे। तो अगला जो क्लास करेंगे हम स्वतंत्रता के अधिकार से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले क्लास में, ऐसे ही हमारे साथ बने रहें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करके कम से कम आज 1000+ लाइक तो आज बनता है, ठीक है, तो उतना पहुंचाइए, तभी हम भी मोटिवेट रहेंगे, आपको भी मोटिवेशन के साथ हम पढ़ाते रहेंगे,
इसी तरह से। तो मिलेंगे अगले क्लास में, हमारे साथ बने रहे, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, डेली क्यूज, डेली न्यूज़पेपर, डेली अन्य सभी नोटिफिकेशन के लिए बिहार दरोगा वाले बैच में ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें ज्ञान फॉर एग्जाम, या फिर नीचे दी गई लिंक से एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, जहाँ पर डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, डेली टॉपिक टेस्ट, डेली वीकली टेस्ट और भी अन्य सभी क्रियाएँ वहाँ पर की जाती है। तो जाते जाते इतना ही कहेंगे, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।